डभोई वेराई माता मंदिरे चमत्कार माता जी ना कंकु पगला पड़ता श्रद्धालुओं ना टोड़ा उमट्या। ज्या विषय श्रद्धानो होय त्या पुरावा नीशी जरूर कहवत ने सार्थक करतो किस्सो डभोई वेराई माता मंदिरे बनता लोकटोड़ा उमट्या हता। डभोई वेराई माता मंदिरे माताजी ना कंकु पगलाना निशान जोवा मरता ग्रामजनो वेराई माता मंदिरे उमटी पड़ा हता। मंदिरनी बारी पासे थी माताजी विराजमान छे ते स्थान सुधी कंकु पगला जोवा मरता ग्रामजनो मां भारे कुतूहल साथे हर्षनी लागणी जोवा मळी हती। जोत जोतामा वात वायु वेगे प्रसरता आसपास ना गामों ना श्रद्धालुओ पण वेराई माता ना मंदिरे चमत्कार जोवा उमटी पड़ा हता। तेमज माताजी ना कंकु पगला ना दर्शन करी धन्यता अनुभवी हती। आ पहला पण माताजी एक आगळ पर पगला पाड़ी हाजरा हजूर होवानो परचो बताव्यो हतो। पर बाद हूँ यहाँ वेराई माता आयो यहाँ अने पछी त्यार बाद बधा भक्तों ना था बात करी कि भाई आ रीतना कंकुन डब्बी में ऑटोमेटिक बधी माताजी कंकु ढोराया पीछे थोड़ा थोड़ा अंतर पगला पड़े आना बाड़कना स्वरूपे अने अगर आया पीछे तो भक्तों की भीड़ जामवा मड़ी बार एक वक्ता पी बंद कर माताजी पोढ़ाई पी घरे गए त्यार बाद अत्यार बदा पब्लिक सांजे आवा कीधेलू एट बदा पी सांजे दर्शन अपाया रीते आई अने अगर माताजी अवारनवार चमत्कारों थता रहे कई कई लोगों काम निकलता रहे कई कई लोग ने बहार भी विदेश एमनी प्रेरणा थी मोकली देनेक बीजा अनेक जनना जेवा कि पुत्र न थता पुत्रों पर थाय एवं चमत्कारों भी जवा मैं अँ आग आ एक विशेषता है वेराई माता लग्न आया पी दरेक कौमना व्यक्ति अँ आग मींढर छोड़ा आए श्रद्धा भाव थी अत्यारे भी बदा आवता रहे भक्तों टोळू सवारे एटले बपोर बार वगता बहु भीड़ जामी हती पछी बधा छूटा पड्या छे। वेराई मात की जय कुळदेवी मात की जय। अहीं वसाहतमां वेराई माताजीनुं मंदिर आवेलुं छे त्यां आजे सवारे अमोने पुंजारी महाराजे एवुं कह्युं कि अहीं माताजीना पगला पड़ेला छे तो अमे अहीं सवारमां पण दोड़ता आव्या हता અને દર્શન કર્યા હતા અમે અને અત્યારે અમને ફરી અમારી ઈચ્છા થઈ તો અમે ફરી પણ દર્શન કરવા અહીંયા આવ્યા છે તો બધાની મનોકામના પૂરી થાય છે અને અહીંયા માતાજી વારંવાર ચમત્કાર બતાવે છે। ગઈ સાલ પણ કાગળના પેપર ઉપર પણ માતાજી આવી રીતે ઉપસી આવ્યા હતા રિસ્તર આપણને એમનો ચહેરો જ દેખાય અમને તો અમે ગઈ સાલ પણ દર્શન કરવા આવ્યા હતા એવું અવારનવાર ચમત્કાર થયા કરે છે। આજે શું દેખાય? આજે અમને માતાજીના પગલા કંકુ પગલા દેખાયા એટલે અમન મહારાજે અમને કહ્યું અમારી સોસાયટીમાં જ રહે છે અને અમે તેથી અમે બધા દોડતા જ સવારમાં પણ આવ્યા ને અત્યારે પણ દર્શન કરવા આવ્યા છે। વેરઈ માત કી જય।